किसान अंदोलन के अंदर बहुत सारिया चर्चावान ने, खास करके सरकार के वलों देश के दे मुखी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पार्लीमेंट के अंदर ये कह रहे होसानों अपील कर रहे हो अंदोलन खत्म करो, और उन्होंने इतों तक भी इल्जाम लाए कि कुछ लोग बुद्धिजीवी होंगे है, कुछ अंदोलन जीवी बन गए हैं, हरेक अंदोलन के पाए जाते हैं, चाहे विद्यार्थियों की कोई गल चल रही हो पाए जाते हैं, किसानों की गल हो उन्होंने तंज कसद अंदोलन जीवी कह दिता। आखिरकार लोकतंत्र के अंदर लड़न वाले लोगों के उत्ते जो देश के प्रधानमंत्री इस तरह का सवाल चुकणगे या मजाक उड़ाउणगे अंदोलनकारियों का, तो सवाल बहुत वड्डा खड़ा हो जाता। तो इसे लोकतंत्र के अंदर किसान आगू जिहड़े डटे हुए ने उन्होंने एक किसान आगू साढ़े नाल ने रुलदू सिंह मानसा जी, उन्होंने असी गलबात करांगे और जाणांगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो इस दे उत्ते की सोचते हैं। तुसीं वी भाषण सुनिया होना जी पार्लीमेंट के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहिंदे आ कि कुछ लोग अंदोलन जीवी बन गए हर थां ते पाए जांदे आ, तां इस तरह की उन्होंने वल्लों गल कहनी, तुसीं जदों ये सुनी गल तुहाडे मन च की आया कि हो की रहा? मोदी मेरा ख्याल है भी हिंदू धर्म चों है, फिर उन्होंने रामायण क्यों सुनाई लोगों को, फिर वो लोग भी मतलब यही जे जी मतलब अंदोलन जीवी थे, आपदे धर्म के थले सोच के देखे आपदे मंजे थले सोटी बेरे किसी धर्म में यह गल कहनी लड़न लाए, साडा विरसा है साडे गुरुआं दा बाबे नानक तो लैके असी प्रचार करिए वो साडा संघर्ष है, असी लोगों जाके मीटिंगा करके समझिए साडा संघर्ष है, असी लड़ाई लड़िए साडा संघर्ष है, असी मतलब खुशी खुशी शहीदियां दे दिए साडा संघर्ष है, एक कौम के खिलाफ है। तारीफ करते नजर आए कहिंदे भी पंजाब की रोटी मैं खाधी है, मैनू मौका मिलया अवसर मिलया सी, उस गल का भी उन्होंने जिक्र किया, कहिंदे पंजाब के लोग खास खास करके उन्होंने सिख धर्म बारे गल कही कि बड़े शांत है, तो उन्होंने बहुत संताप हंडाया पिछले दिनों च, हुण फिर उन्होंने वरगलाया जा रहा। असी होर धर्म चो हाँ, साडा भी सिख धर्म है, किरती लोग हाँ, कोई साडा मुसलमान धर्म तो है नहीं, चलो खेती तो मुसलमान भी करते हैं हिंदू भी करते हैं, पर जिहड़े वध गिणती असी पंजाब चो आए हाँ, हरियाणा तो चल हिंदू ने, असी बाद तुहानू सिख धर्म आए हाँ, वो रोटी भी साडी खाधी कहिंदा वो साडी किरती सिखां दी जां लोकां दी किरत करना रोटी है वो खा के आया, चंगा साडी रोटी का मुल पाया उन्हें, जिहड़ा सानू इत्थे घट्टो घट्ट 2.5 महीने हो गए बैठे नूं, जे उन्हें रोटी दे की मुल मोड़ना है फिर क्यों नहीं तिन्ने कोल रद्द करता बई, मतलब जे सिखां नाल प्यार है सिखां नूं मानदा है फिर करे क्या करे, सिख तो जो है बादली यार है कला होर कोई नहीं। गल क्यों आ जाती है वार वार धर्म वाले पास गेड़ा दे दिता जाता, गल खेती अंदोलन की चल रही होंगी है खेती कानून रद्द कराने की, पर हकूमत के वलों जिमें देश के दे प्रधानमंत्री देश के दे मुखी ने वो गल उस पास तोर देंगे चर्चा उधर तोर देंगे, वजह की मानते हो तुम? हमेशा वास्ते एक मतलब जो कह दिए बड़ा कोई मुंडे का टैसट हो रहा थी, इम्तिहान हो रहे थे जिदे हरदयाल एम ए भी बैठा थी, वो एक सवाल आ गया भी राज कड़े तरीके कराया जा सकता है, किसी ने कहा तोपा चाहिए को घोड़े चाहिए ने, हरदयाल एम ए ने एक ही गल की फूट फैलाओ राज करो, हुण लोगों धर्म के नाँ पर लड़ाउणा जात के नाँ पर लड़ाउणा होर फिरकियां दे परस्ती के नाँ पर लड़ाउणा राज ही इन्हां दा चलदा है, कदे वास्ते वो मतलब दो जमातों की लड़ाई मन के जमात की की लड़ाई है उसनू कदे नहीं गल करनगे, मोदी धर्म की गल ही छेड़ूगा, कदे सिखां की गल करूगा, कदे मुसलमानों की गल करूगा, कदे हिंदुओं की गल करूगा, मैं इत्थे समझदा दो जमातां है, जिहड़ी जमात सानू लुटदी है उस सिख भी ने उस मुसलमान भी ने उस हिंदू भी ने उस साईं भी लुटण वाली जमात च जिहड़े लुटे जा रहे ने उस सिख भी ने हिंदू भी ने मुसलमान भी साईं ने, ये दो जमातों च लड़ाई है, धर्मां धुरमां की कोई लड़ाई नहीं गी, दो जमातों की लड़ाई सिखरां ते जारी है पूरा, हजे साडी तां लड़ाई 26 नूं शुरू होई है, गाह की चलदा निपटांगे उहदे नाल। हाथ के जरा झारखंड के इस किसान इतने पहुंचे अंदोलन के अंदर वो बिरसा मुंडा की ये जी तस्वीर तो भेंट कर जाते हैं, क्योंकि एक पास शहीद भगत सिंह का नाँ लिया जाता है कि लोगों के लिए कुरबानी दी शहादत पाई, झारखंड के अंदर जो तो जमीन की लड़ाई पहला तो चल रही थी बेशक की हूँ पूरे देश की लड़ाई बन गई है जमीन की, बिरसा मुंडा की तस्वीर थोड़ा दे के गए गल्ला भी हुई हो कहते झारखंड वाले किसान? मेरा ख्याल मैं कल्ली पंजाब किसान यूनियन चलाऊंगा पंजाब जो पंजाब किसान जो उन्होंने साडा 17 स्टेटा के जथेबंदा बोलबाला है कुल हिंद महा किसान सभा है जिदा मैं वह कौमी प्रधान हाँ, मैं बाघ की समाध से जाके हाँ जोड़े दिन यदि शहीदी का शहीदी दिहाड़े से जाके हाँ, साढ़े सारे बड़े लीडर नाल थी मैं उ आप फुल माला पा के आए जाके आए हाँ, इन्होंने जमीनी अंदोलन लड़िया थी, जोड़ा बंदा लड़ूगा और रही दुनिया तक आजाद रहूगा, जो घर काम करता आपदी चल बंदा मर मरना सिरक नहीं है कि इन्हें मेरे को लैके आना, तेनू जिन्हें लोगों वास्ते लड़ाई लड़ी है तो ही वो फोटो बन के मेरे को आई है, झारखंड के लोग लग गया मैं उन्होंने धन्यवाद करता जिन्होंने साढ़े अंदोलन के पहुँच करी है इतों तक आए हैं, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता इतने आने सरदार भगत सिंह
भगत सिंह है तो नौजवान, साढ़े बाद हजे भी नौजवान है नाले, मेरा ख्याल जवाज हों उम्र 100 साल वगू लग जाती, पर आप नौजवान ही गिनते हैं ना भी नौ नौजवान है, मतलब उन्होंने सारे मानते हैं। तस्वीर ट्रालिया ट्रैक्टर से भगत सिंह लाई फिरते हैं नौजवान जी, लाइनिया लाइनिया ने जोड़ा लोग कुरबानी देने उन्होंने तो मतलब लगनिया ही लगनिया ने लगने, जो साढ़े इतने भी कोई कुरबानी देगा तो वो लोगों भी लोग याद रखेंगे। अंदोलन के अंदर चर्चा छिड़ जाती है कि किसान आगुओं जी जिम्मेवारी निभानी चाहिए है, बहुत सारिया थावान पर बेशक की निभाई जा रही है, पर फिर भी सवाल चुके जाते हैं, खास करके एक मैं उदाहरण दिना कि नौदीप कौर नाम की कुड़ी है, 23 साल की नौजवान कुड़ी नू दिल्ली पुलिस जो अरैसट कर लेंदी है, गिरफ़्तार कर लेंदी है, वो कहिंदे कि मजदूरों कट्ठियां करके इस अंदोलन के अंदर लैके आउंदी है कुड़ी, पर उसके लिए तशद्दुद भी हुंदा है हिरासत के अंदर, पर किसान आगुओं के वल्लों कोई पहलकदमी अजिही कीती गई है बचाउण दे लई उस कुड़ी नू बचाउण दे लई? मेरा ख्याल हजे तो बयान नहीं दे सकते, जे मेरी गल मनो मीटिंग च पता लगे उसे मैं निखेधी कर सकते हैं कि मैं माड़ा गल कह सकता प्रेस के सामने माड़ा होया गलत करे, जो कोई संघर्ष लड़ता लेडीज हो बंदा हो नौजवान हो बुढ़ा हो गभरू हो लड़ता सरकार ने माड़ा करेगा, असी तो यह जे लोगों के नाल ही रहने लड़न आने साड़िया जथेबंदियां रहा इस गल की सरकार की निखेधी करते हैं, बाकी मीटिंग विचार के होर भी गाह मत बदल। कमेटी भी इस स्पैशल तौर पर गठित की जाती है बनाई जाती है, कि लीगल कमेटी ने इस लैके कोई पैरवाई की है उसे जाके मिले है कुड़ी? मेरा मैनू ए डाई बारे बड़ा पता नहीं, सची लै मैं गल करा गल तो मैंने पता भी कह बाका होया कुड़ी ना, पर ये बारे मैंने वाला नहीं पता, जे साड़ी कमेटी बनी है जिते असी आपके नौजवानों की केसों की पैरवाही करा, असी साड़ी कमेटी को कहते यदि पैरवाही नाल कर लो कर लगे कोई गल नहीं, क्योंकि लड़न वाले लोग ने उन्हें पैरवाही होनी चाहिए है, साड़िया मेरा दो तीन कमेटियां असी बनाई हैं उसे कह के करा देंगे पैरवाही कर लेंगे। पासे बैरीकेटिंग इन्नी मजबूत की गई है कंडियालियां तारा होण, ते कल हरियाणे ते पंजाब दे किसानां ने इकट्ठे होकर फुल भी बीजते सरहद दे उत्ते जवाब दे विच, तां इह फुल बीजण दा सुनेहा जो दे रहे सी कहिंदे कि नफरत की राजनीति छड्ड के प्यार मुहब्बत की राजनीति होनी चाहिए है, तो तुसीं कहिंदे हो कि कोई राजनेता नेड़े नहीं लगण देना स्टेज दे, ते बदलूगी भी राजनीति, फिर दो तरह दीआं धरावां क्यों चल रही अंदोलन के अंदर, राजनीति नूं दूर रख्या जावे कि राजनीति नाल ही हल होना? मेरा ख्याल है गैर राजनीतिक तत्ते साध भी नहीं डेरे वाला, सारे लोग राजनीतिक ने ठीक है, असी लख कुछ कही जाइए पर एक लोग सत्ता दे बागे वो लोगों जे सत्ता दे बागे उन्होंने दोलन के पासे रखने दो, मान लो साडा कोई MLA आउंदा भी मैं स्टेज पर बोलना उन्होंने साडी स्टेज पर बोलने की लोड़ है, वह विधानसभा रौला पावे उत्थे मता पवावे उत्थे धरना दे के बैठे, हुण कोई MP कहिंदा मैं स्टेज पर बोला साडे कोल आउण दी की लोड़ है, वह पार्लीमेंट च रौला पावे जिथे उन्होंने चुनके तोड़ता, इतने लोगों का मूँह नहीं दिखाना उन्होंने भी आहा MP आ गया MLA आ गया, उन्हों का फर्ज बनता है रुतू सिंह की जिते ड्यूटी है उस मीटिंग जाके रौला पावे, जे मेरी ड्यूटी संयुक्त मोर्चे बैठन की है मैं उसे किसानों का पक्ष रखा, मैं ऊँ कहा मैंने किसी स्टेज पर बुला दो उत्थे मैं गल ना रखा, वो किधर नू गल गई है, साडे MP ने जिहड़े साडा हमायत कर, मैं कहना विरोधी धिर मैं सारा सुनया मतलब पार्लीमेंट का इजलास सारा साडे हक च भुगत ने सारे वधिया गल रखी है उन्होंने जी खुशहुंदा दी देख के, मेरा ख्याल मैं भी नहीं रख सकता उन्नी गल जिहड़ी उन्हें सारे ने रखी है, सारे टोटल मोदी नू मन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ये सारिया गल्ला विरोधा के बावजूद ये क्यों कह रहे हैं, थोड़ा अपील कर रहे हैं कि अंदोलन खत्म कर दौ अंदोलन MSPC हैगा है तो जारी रहेगा? मोदी बंदे नहीं है क्यों मैं थोड़ा कहो नहीं बंदा है जो आप जी घर नहीं रखते बंदा नहीं होता जो तीन चार तरह एक तो छड़ा होंगे गल कह रहे हो तुम मैं कह रहा एक छपाड़ा होंगे एक रंडा होंगे गा यह अड्डो अड्डी चलता होंगे काम इन तो छड़ी हुई है ना मतलब एदू माड़ी गल मैं कहूँगा मैं कहना मैं तो भावों पर चोर दर्ज कर देना कहूँगा जोड़ा वह घर नहीं बसा सकता वो देश में क्यों बसालूगा देश तो उजड़ू उजड़ूगा यह घटिया बंदे मूहे आ गए उजड़ना है। किसान अंदोलन फतेह करने वास्ते सारिया मंगा मनवाण वास्ते अगली रणनीति कुछ लीकी है जी किस तरह दया क्या सराइया भा संभावनावान चल रही लीकी है जीडिया साढ़िया 14 जथे ग्रुप है साडा आपका साढ़े वाला उस लीक ली 32 जी लीक ली पर दसांगे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग अभी साढ़े को नहीं आता एजेंडा बना लिया पहला असं दूजे साथियों तो पूछा हरियाणा तो पूछा UP वाले तो पूछा राजस्थान तो पूछा वो साढ़े नो वधिया गल लिया सकते हैं ठीक है जिहड़े एजेंडे से सहमति होगी उही अगला ऐलान करा। पंजाब लोग जोड़े बैठे वो फिक्रमंद हो जाते हैं कि परिवारों चो जी जोड़े मोर्चिया च गए हुए हैं जो इतने कोई घटनावान वापरदियाँ मीडिया जरिए देखते हैं ज विदेशों से बैठे लोगों की नज़र टिकी हुई है वो फिक्रमंद होंगे उन्होंने फिक्र चो क्ढन भी परवाह ना कर जी कि गल कहनी चाहोगे तो फिक्र ना कर साड़ी जो कोई बट बढ़ ले गुआढ़ी होंगे सके भाई मंगा असी कतल कर देने
ਸਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜ ਲੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਵੜ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਖਪੜ ਕੇ ਖੇਤ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਵੜ ਲਈ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਰੋਕਟ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ 30 ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇਗੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦੇ ਨਿਮੇੜਾ ਹੋਗਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ